Ali myself. Ali myself. वायरल फिल्म यानी कि यशराज बैनर की फिल्म धूम सीरीज को अभी तक बहुत ज्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री में पसंद किया गया है और धूम 4 को लेकर तैयारी चल रही है, जहां फिल्म के अंदर होने के अक्षय कुमार की बात उठ रही है। अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर आएंगे, धूम मचाएंगे, ये तो फैंस को सबसे ज्यादा खुशी होगी ही होगी, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्म को देखना हर कोई बहुत पसंद करता है। भले ही अक्षय कुमार साल में 4 से 5 फिल्में क्यों ना कर लेकिन उनकी सभी फिल्में बेहतरीन रहती हैं। और अक्षय कुमार अगर धूम 4 में आ जाते हैं तो 4 चांद वो जरूर लगा देंगे, और आएंगे अगर अक्षय कुमार तो विलन के किरदार को ही निभाते हुए देखे जाएंगे। और ये जाहिर सी बात है कि विलन का किरदार ही धूम सीरीज में दमदार रहता है और उसे ही चेंज भी किया जाता है। विलन हर बार बदल जाते हैं और ये विलन बनते हुए अगर अक्षय कुमार नजर आएंगे तो फिल्म धूम 4 सुपरहिट हो जाएगी। लेकिन आप सभी की इन उम्मीदों पर पानी तो फेरते हुए यशराज बैनर्स नजर आ ही चुका है। बता दें आप सभी को कि यशराज बैनर ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि अक्षय कुमार इस फिल्म का हिस्सा नहीं होने वाले। जी हाँ, धूम 4 का हिस्सा अक्षय कुमार नहीं होंगे, ये ऑफिशियली तौर पर कहा जा चुका है इस बैनर की ओर से। लेकिन अक्षय कुमार इस फिल्म में नहीं होंगे तो आखिर कौन बनेगा इस फिल्म का विलन? नाम आया था सामने सलमान खान का, लेकिन बता दें आप सभी को कि सलमान खान ने साफ तौर पर कह दिया है कि नहीं, मैं कोई भी विलन का कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो ये बात बखूबी जानते हैं कि धूम सीरीज के विलन हमेशा ही दमदार रहे हैं और विलन के किरदार को ही ज्यादा से ज्यादा प्यार मिला है। लेकिन सलमान खान विलन के किरदार को पेश नहीं कर सकते हैं और इस वजह से उन्होंने इस किरदार को करने से इनकार कर दिया है। और सलमान के बाद नाम आया है यहाँ शाहरुख खान का। जी हाँ, शाहरुख खान का भी विलन के तौर पर नाम सामने आ चुका है, लेकिन इनके नाम की आगे अभी भी लगा हुआ है एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है ना ही शाहरुख खान की ओर से ना ही वायरएफ की ओर से कि शाहरुख खान फिल्म का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर कंफर्म कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन, जो धूम सीरीज का अभी तक रहे हैं हिस्सा, वो धूम 4 का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। जय दीक्षित के किरदार में अब AB नजर नहीं आएंगे तो कौन नजर आएगा? भाई ये होने वाले हैं अपने बाजीराव, अपने सिम्बा रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को देखा जाने वाला है जय दीक्षित के किरदार में, लेकिन जो उदय चोपड़ा का किरदार है वो वहीं का वहीं रहेगा। और जो उदय चोपड़ा अभी तक नजर आए हैं इस फिल्म में किरदार अदा करते हुए अली का, उदय चोपड़ा ही इस किरदार को अभी भी निभाने वाले हैं धूम के आगे बढ़ती हुई सीरीज में। और इसके पीछे का कारण है क्योंकि ये उनका होम प्रोडक्शन है और इस सीरीज के अलावा उनके पास कोई भी काम और नहीं है। ऐसे में रणवीर सिंह जय दीक्षित का किरदार अदा करेंगे ये अभी तक कंफर्म ही माना जा रहा है। लेकिन वायरल फिल्म की बात मानी जाए तो इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग भी अभी तक ठीक से शुरू नहीं हो पाई है। जहां साल 2004 में धूम 1 आई, जॉन अब्राहम विलन बनते हुए देखे गए, तो साल 2006 में ऋतिक रोशन विलन बनते हुए देखे गए धूम 2 में, और साल 2013 में सामने आई आमिर खान विलन बनते हुए देखे गए धूम 3 में। लेकिन धूम 3 को प्यार बिल्कुल भी नहीं मिल पाया, धूम 3 काफी हद तक फ्लॉप साबित हुई। इसी वजह से यहां फिल्म धूम 4 को बनाने के लिए वायरल जी तोड़ कोशिश में जुट चुका है, ताकि धूम 3 की तरह धूम 4 भी बिल्कुल भी फ्लॉप ना हो। वेल दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हैं धूम की सीरीज को आगे बढ़ते हुए धूम 4 को देखने के लिए जो रिलीज हो सकती है साल 2021 में, ये कमेंट करके जरूर, और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।